रायबरेली पुलिस अधीक्षक द्वारा हुआ हत्याकांड का खुलासा। 25 मार्च को बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेंगो बड़ी नहरिया के पास तेंदुआ जंगल के नाले में एक युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया था। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर बछरावा थाना प्रभारी नारायण कुशवाहा अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर उच्च अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा टीम गठित कर सर्विलांस की मदद से घटना में प्रयुक्त आला तत्व के साथ तीन अभियुक्तों को धर दबोचा। शामिल 5 लोगों में से 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। देखिए, दिनांक 23 तारीख को बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुरबक्स खेड़ा पड़ता है। यहाँ के दीपक कुमार सनाफ राम खेलावन आकर के थाने पे एक तहरीर दिए कि उनका बड़ा भाई भारत जो 22 तारीख को शाम 8 बजे से राम सजीवन के साथ गया था, अभी घर नहीं पहुँचा है। पुलिस ने इस सूचना पर समुचित धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर भारत लाल की बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया। उस टीम का नेतृत्व हमारे CO महाराजगंज ने किया था और इंस्पेक्टर बछरावा उसमें उनका सहयोग कर रहे थे। हमारी सर्विलांस की टीम लगी और SWAT की भी टीम लगी, स्थानीय पुलिस भी लगी। उसमें कुल मिला करके जो घटना वर्कआउट हुई है उसमें ये आया है कि भारत लाल ने 2004 में एक मर्डर किया था जागेश्वर उर्फ मटरू का, जो राम सजीवन का भाई था। राम सजीवन ने उसी का बदला लिया और उसमें इसका सहयोग कौशल ने दिया था। कौशल चूँकि एक हफ्ते पहले कौशल की लड़ाई भारत से हुई थी तो इस घटना में वो भी शामिल था। तो सभी ने प्लान करके इसको ले जा करके सहंगों के जंगल, जो तेंदुआ का जंगल बोला जाता था, वहाँ रात को शराब पिलाया और 5 लोग इसमें थे, उन्होंने इसका मर्डर किया और सब को छिपाने के लिए बगल नाले में छिपा दिया। हम लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, शैलेन, राम सजीवन और कौशल को। 2 लोग वांछित हैं जो राम सजीवन के रिश्तेदार हैं, दुर्गेश और प्रेम, और इनके साथ जो तलवार, जो मृतक को मारने में तलवार 2 यूज हुई थी वो बरामद हो गई है, डंडा बरामद हो गया है और मृतक ने जो सोने की जंजीर पहनी थी वो बरामद हम लोगों ने कर लिया है। 3 लोगों को आज अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं और प्रेम, दुर्गेश वांछित चल रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही उनको गिरफ्तार करके हम लोग भेजेंगे जेल में। सर, जो पकड़े गए इनके कोई अपराधी नहीं, अपराधी की इतिहास तो अभी नहीं मिला हुआ है। हम लोगों ने रजिस्टर नंबर 4 में और रजिस्टर नंबर 8 में देखा था, इनका आपराधिक इतिहास ऐसे नहीं है।